नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कनेक्टिंग डिवाइस इज रिपीटर. रिपीटर जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्टिव हब में एक्सप्लेन किया था, विच इज़ यूज टू रीजनरेट द सिग्नल. क्योंकि सिग्नल जैसे वायर्स में पास होता है, इट गेट्स अटेनुएटेड और यू कैन से इट गेट्स वीकेंड. ठीक है, तो उस वीकेंड सिग्नल को फिर से ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी पे लाने के लिए वी नीड रिपीटर्स, जिनको हम एम्पलीफायर्स भी कह देते हैं, इनको हम ट्रांजिस्टर्स भी कह देते हैं, रीजनरेटर्स भी कह देते हैं. ठीक है, सो यू कैन सी इन द डायग्राम इन फिगर 61 कि जो सिग्नल है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है, एंड इन बिटवीन वी हैव अ रिपीटर जिसने सिग्नल को फिर से रीजनरेट कर दिया. सो दिस इज़ वॉट रिपीटर इज़. ठीक है, सो नेक्स्ट एडवांटेजेस हैं रिपीटर के, लिमिटेशंस हैं, यू कैन स्टडी दैट, और फिगर 62 बनाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट कनेक्टिंग डिवाइस इज अ ब्रिज. अब ब्रिज क्या है? ब्रिज एक कनेक्टिंग डिवाइस है जिसके दो फंक्शंस हैं. वन फंक्शन इज टू ब्रेक अ बिग नेटवर्क इंटू टू स्मॉलर नेटवर्क्स, और बीच में हम ब्रिज लगा सकते हैं. ठीक है, एंड अनदर फंक्शन इज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स टू बिकम अ बिग नेटवर्क. तो दो फंक्शंस क्लियर हो गए. एक बड़े नेटवर्क को दो हिस्सों में तोड़ने के काम आता है ब्रिज, कि टू एक नेटवर्क है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो, बीच में ब्रिज लगा दो, या फिर टू नेटवर्क्स हैं उनको हम ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, वो एक नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब हमने बड़े नेटवर्क को टू पार्ट्स में डिवाइड क्यों करना है? ब्रिज को से हमने एक नेटवर्क को टू पार्ट्स में स्प्लिट क्यों करना है? द रीज़न इज कि सपोज एक नेटवर्क में 10 कंप्यूटर्स हैं, उसमें ना टू कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता भी उनके लिए है, उन टू कंप्यूटर्स के लिए. ठीक है, और जिसकी वजह से बाकी 8 कंप्यूटर्स थोड़ा सफ़र करते हैं, कैसे कि उनको बैंडविड्थ नहीं मिलती, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, उनको जल्दी डेटा रिसीव नहीं होता, क्योंकि वो दो कंप्यूटर्स ने बहुत बिजी किया हुआ नेटवर्क को. सो बेटर कि दो कंप्यूटर्स को ब्रिज के एक साइड पर रख दो और बाकी 8 को ब्रिज के एक साइड पर रखो. ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर. सो दिस इज़ इसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं. इस चीज़ को हम ब्रेकिंग नेटवर्क इंटू टू पार्ट्स इज नोन एज सेगमेंटेशन. ठीक है, तो इस डायग्राम में देखो ब्रिज के टू सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट वन एंड सेगमेंट टू. ठीक है, एंड फिगर ये जो है 64 बनाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हाउ ब्रिजेस वर्क, तो इसका भी यही है कि ब्रिज के पास जैसे डेटा आता है तो ब्रिज देख हाउ ब्रिजेस वर्क का इसका ये हम पढ़ेंगे. ये 3 पॉइंट्स मैं आपको करवाती हूँ, क्रिएटिंग अ राउटिंग टेबल या हाउ ब्रिजेस वर्क. सो ब्रिज कैसे वर्क करते हैं? अब सबसे पहले जब हमने हब पढ़ा था ना, तो हब मैंने आपको बताया था दैट इज़ एन अनइंटेलिजेंट डिवाइस. हब के अंदर कोई भी डेटा स्टोर्ड नहीं होता. स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है. स्विच के अंदर सारे कंप्यूटर्स के हार्डवेयर एड्रेसेस होते हैं, यानी स्विच के पास एक टेबल होता है. ठीक है, उस टेबल में सारे हार्डवेयर एड्रेसेस स्टोर्ड होते हैं. ऐसे ही जो ब्रिज है ना, इसके पास भी एक टेबल होता है. ठीक है, ब्रिज के टेबल में भी सारे कंप्यूटर्स के हार्डवेयर एड्रेसेस स्टोर्ड होते हैं, लेकिन इनिशियली ब्रिज का जो टेबल होता है ना, वो एम्प्टी होता है इनिशियली. जैसे जैसे पैकेट्स ब्रिज के पास आते जाते हैं, ब्रिज उनके जो डेस्टिनेशन एड्रेसेस और सोर्स एड्रेसेस को स्टोर करता जाता है. उसको पता लग जाता है कि मेरे साथ ये वाले कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं. तो इसके ना कुछ रूल्स हैं. पहला रूल है कि जैसे ब्रिज के पास कोई पैकेट आता है, व्हेन ब्रिज रिसीव्स अ पैकेट, तो वो पैकेट का सबसे पहले सोर्स एड्रेस चेक करता है. द सोर्स एड्रेस इज कंपेयर्ड टू द राउटिंग टेबल. इफ़ द सोर्स एड्रेस इज नॉट देयर, इट इज़ एडेड टू द टेबल. तो ब्रिज के पास कोई पैकेट आया, ब्रिज उसका सोर्स एड्रेस देखेगा. अगर तो सोर्स एड्रेस वाला कंप्यूटर उसको पता है कहाँ है, तो ठीक है. अगर नहीं पता तो ब्रिज ऐड कर लेगा कि इस जगह से ये पैकेट आया है, तो यानी इस साइट पे ये वाला कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ये सोर्स एड्रेस वाला कंप्यूटर पड़ा हुआ है, वो ऐड कर लेगा अपने राउटिंग अपने टेबल में. उसके बाद ब्रिज उस पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा. अगर तो डेस्टिनेशन एड्रेस राउटिंग टेबल में है एंड इज़ ऑन द सेम सेगमेंट एज द सोर्स एड्रेस, द पैकेट इज डिस्कार्डेड. सपोज जो पैकेट आया है ब्रिज के पास, अब ये फिगर 65 देखी जाओ, साथ साथ में बनानी नहीं पर देखी जाओ. पहला जो सिस्टम है ना, सेगमेंट वन का जो फर्स्ट सिस्टम है, सपोज सेगमेंट वन के फर्स्ट सिस्टम ने सेगमेंट वन के ही थर्ड सिस्टम को डेटा भेजना है, लेट अस सपोज. तो सेगमेंट वन का डेटा पहले ब्रिज के पास गया, और जब वो ब्रिज के पास गया तो वो सेगमेंट थ्री से होके गया, सेगमेंट वन के थर्ड कंप्यूटर से होके गया वो डेटा. तो ब्रिज ने क्या देखा? ब्रिज ने देखा कि ये जो पैकेट है, इसका सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों ही सेगमेंट वन में है. तो ब्रिज उस डेटा को डिस्कार्ड कर देगा. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सेगमेंट वन में घूम चुका हुआ है पैकेट, और ऑलरेडी डेस्टिनेशन को मिल चुका हुआ है, ब्रिज के पहुंचने से पहले ही मिल चुका हुआ है. ठीक है, और अगर डेस्टिनेशन एड्रेस दूसरे सेगमेंट में है, तो ब्रिज दूसरे सेगमेंट में उस पैकेट को भेज देगा.
ठीक है. सो दिस इज़ हाउ ब्रिज वर्क्स. देन सेगमेंटिंग का नेटवर्क मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एक साइड पे जो बहुत बिजी कंप्यूटर्स हैं उनको रख दो, एक साइड पे जो आइडल कंप्यूटर्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं उनकी वजह से उनको रख दो, ठीक है. देन टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, ब्रिजेस चार तरह के होते हैं. ट्रांसपेरेंट ब्रिजिंग, ये इथरनेट एनवायरनमेंट में मोस्टली यूज़ होता है. टोकन रिंग एनवायरनमेंट है तो सोर्स रूट ब्रिजिंग यूज़ होती है. अगर दो अलग अलग मीडिया टाइप्स के नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है तो ट्रांसलेशन ब्रिजिंग यूज़ होती है. और अगर एक साइड पे इथरनेट एक साइड पे टोकन रिंग है तो सोर्स रूट ट्रांसलेशन ब्रिजिंग यूज़ होती है. अभी होते क्या है इनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ नीचे. देखो ट्रांसपेरेंट ब्रिजिंग है, आई थिंक ये पेज दोबारा आ गया. सो ट्रांसपेरेंट ब्रिजिंग है, सोर्स रूट ब्रिजिंग है, ट्रांसलेशन ब्रिजिंग है, देन सोर्स रूट ट्रांसलेशन ब्रिजिंग है. अगर पढ़ने हैं तो आप इसको पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो, अदरवाइज वहाँ तक ही कर लो. फोर टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, इनको इतना डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर मन है आपका आप कर सकते हो. देन वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड रिपीटर एंड इम्प्लीमेंटिंग अ ब्रिज, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अ ब्रिज, सो यू कैन स्टडी दीज, ठीक है. नेक्स्ट इज़ राउटर, नेक्स्ट कनेक्टिंग डिवाइस इज़ राउटर. अब जो राउटर है ये भी कनेक्टिंग डिवाइस है, लेकिन ये एक स्पेशल कनेक्टिंग डिवाइस है. क्यों? क्योंकि ये इंटेलिजेंट तो है, क्योंकि इसको पता है कि मैंने जो पैकेट है उसको कौन से डेस्टिनेशन को भेजना है, ठीक है. सबको नहीं भेजता, सिर्फ उसी को भेजता है. क्यों? क्योंकि राउटर के पास सारे कंप्यूटर्स के लॉजिकल या आईपी एड्रेसेस स्टोर्ड होते हैं. इसको पता है कि पैकेट कहाँ भेजना है, ठीक है. प्लस राउटर में एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो अब तक किसी कनेक्टिंग डिवाइस में नहीं आई कि राउटर सिर्फ डेस्टिनेशन एड्रेस तक पैकेट नहीं भेजता बल्कि एफिशिएंट पाथ के थ्रू पैकेट भेजता है. सपोज पैकेट ने ए से बी तक जाना है, बीच में राउटर लगा हुआ है, ठीक है. तो राउटर ने कोई भी कनेक्टिंग डिवाइस है, चाहे वो स्विच है चाहे वो ब्रिज है, उन्होंने क्या करना है, कनेक्टिंग डिवाइसेस ने उन्होंने डेटा को बी की तरफ भेज देना है. राउटर में क्या एडिशनल फीचर है कि राउटर ने बी को तो डेटा भेज ही देना है, पर अगर राउटर से बी तक जाने के चार पाथ्स हैं, चार तरह के रूट्स हैं, तो पहले राउटर देखेगा इन चारों रूट्स में से सबसे एफिशिएंट रूट कौन सा है, उसमें से फिर डेटा उससे उसके थ्रू डेटा भेजेगा, समझे. सो राउटर सिर्फ डेटा डेस्टिनेशन को ही नहीं भेजता, एक एफिशिएंट रूट चूज करके उसके थ्रू डेटा भेजता है डेस्टिनेशन को. अब एफिशिएंट रूट इसके क्या मेट्रिक्स हैं या क्या क्राइटेरिया है, इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं एफिशिएंसी के. कोई नेटवर्क ऐसा हो सकता है जिसमें वो रूट एफिशिएंट माना जाता हो जिसकी लेंथ कम है. कोई नेटवर्क हो सकता है जिसमें उस रूट या वो राउटर, कोई राउटर ऐसा है जो वो रूट को एफिशिएंट मानता है जिसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है. कोई राउटर है वो उस रूट को एफिशिएंट मानता है जिसकी कम्युनिकेशन कॉस्ट कम है. कोई राउटर उस रूट को एफिशिएंट मानता है जिस पर उस टाइम वर्कलोड कम है. सो एफिशिएंट रूट कौन सा है, ये राउटर टू राउटर डिपेंड करता है, उसका क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है हर राउटर का, ठीक है. सो हाउ राउटर वर्क्स, ठीक है, ये देख लेना आपको समझ आ जाएगा, ईजी है. देन टाइप्स ऑफ राउटर्स, राउटर्स आर ऑफ टू टाइप, स्टैटिक एंड डायनेमिक. स्टैटिक राउटर आजकल यूज़ नहीं होते. स्टैटिक राउटर हैं कि उसमें क्या होता था, राउटर इंस्टॉल कर दिया नेटवर्क में और जो ऑपरेटर है ना उसने फिजिकली सारे रिकॉर्ड्स एंटर कर दिए कि राउटर की अगर डाटा ए से बी तक जाना है तो ये वाला रूट फॉलो होगा, बी से डी तक जाना है तो ये वाला रूट फॉलो होगा. तो जो ऑपरेटर है उसने मैनुअली डेटा सब एंटर कर दिया. प्रॉब्लम कब आएगी, जब वो रूट फेल हो जाएगा. अगर वो रूट फेल है तो डेटा को समझ नहीं लगेगी कि अब मैं कहाँ से जाऊँ, क्योंकि स्टैटिक राउटर है. स्टैटिक राउटर में कोई अल्टरनेटिव्स नहीं है. इसी तरह एक डायनेमिक राउटर है. डायनेमिक राउटर में ऑपरेटर फिजिकली मैनुअली एंटर नहीं करता कि ये रूट्स हैं, ए से बी तक जाओगे तो इस रूट से थ्रू जाओगे, बी से डी नो. उस टाइम डिसाइड होगा डिपेंडिंग ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द रूट कि कौन सा रूट चूज़ होगा. दैट इज़ डायनेमिक राउटिंग. अगर एक रूट फेल हो जाता है तो दूसरा रूट चूज़ हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज़ टू टाइप्स ऑफ राउटिंग टेक्निक्स और टू टाइप्स ऑफ राउटर्स यू कैन सी. तो उसके बाद ये करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट आर ब्राउटर्स. ब्रिजेस और राउटर के कॉम्बिनेशन को ब्राउटर कह देते हैं, जिसमें ब्राउटर वो कनेक्टिंग डिवाइस है जिसमें ब्रिजेस के और राउटर्स के दोनों के फीचर्स हैं. एंड लास्ट कनेक्टिंग डिवाइस गेटवे. गेटवे यूज़ होता है जब दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना हो, ठीक है. दो अलग अलग तरह के नेटवर्क्स हैं, उनको आपस में जोड़ना है कि एक नेटवर्क से पैकेट दूसरे नेटवर्क में जा सकें, दूसरे से पहले में आ सकें. सो इन बिटवीन वी इंस्टॉल अ गेटवे, ठीक है. सो हाउ गेटवे वर्क्स, ईजी है बहुत. देन गेटवे कंसिडरेशंस, गेटवे एप्लीकेशंस, ठीक है, ये आप स्टडी कर लेना. सो दीज वर ऑल कनेक्टिंग डिवाइसेस. एक मैंने चीज़ आपको बतानी है, वो मैंने आपको बताई नहीं अभी.
दो डायग्राम्स स्टार्टिंग में आपने बनानी है। जैसे ही आप बैकबोन नेटवर्क डिज़ाइन की इंट्रोडक्शन दोगे तो आप बोलोगे कि कनेक्टिंग डिवाइसेस दो तरह के होते हैं, एक तो ये जो डायग्राम है मैंने आपको कराई है नेटवर्किंग और इंटर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में हब स्विच रिपीटर ब्रिज आ जाएंगे, इंटर नेटवर्किंग में राउटर गेटवे अब राउटर आ जाएगा, एक तो ये डायग्राम बनानी है। प्लस एक आपने ना यहाँ पर एक डायग्राम दी थी, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी आई थी बीच में, एक वो डायग्राम बनानी, दिस वन, ठीक है, ये डायग्राम बनानी है। ये डायग्राम एक्चुअली इस मैं मोबाइल को मैं टिल्ट कर रही हूँ देखने के लिए, ठीक है, आप भी टिल्ट कर लो। तो इसमें ना OSI मॉडल की सारी लेयर्स दी हुई हैं डायग्राम में, फिजिकल डाटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, अगर नीचे से ऊपर जाएं दूसरी साइड भी सेम लेयर्स हैं, नाम नहीं लिखे हुए, आप लिख सकते हो, नीचे वाली फिजिकल है, डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन, सबसे ऊपर वाली एप्लीकेशन लेयर है। अब अलग अलग कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, ये कनेक्टिंग डिवाइसेस कौन सी लेयर पे इंस्टॉल्ड होते हैं ये मेंशन किया हुआ है इस डायग्राम में। सो डायग्राम क्या है, डायग्राम इज शोज द रिलेशनशिप बिटवीन OSI मॉडल एंड डिफरेंट कनेक्टिंग डिवाइसेस, ठीक है। अब जो रिपीटर है वो फिजिकल लेयर पे लगता है, इसीलिए रिपीटर के पास हमेशा सब, आप इस पे रिपीटर भी लिख सकते हो, स्विच भी ऐड कर सकते हो इस बॉक्स में, अब मैंने किया नहीं, आप कर सकते हो मेरा वॉइस मैसेज सुन के, आप जहाँ रिपीटर लिखा है ना बॉक्स में, रिपीटर कॉमा स्विच लिख दो, क्योंकि ये दोनों डिवाइसेस जो हैं फिजिकल लेयर में इंस्टॉल्ड होते हैं, इसीलिए तो स्विच के पास सबके हार्डवेयर एड्रेसेस होते हैं, फिजिकल एड्रेसेस होते हैं, क्योंकि फिजिकल लेयर में इंस्टॉल्ड है। और ब्रिज जो है वो डेटा लिंक लेयर में इंस्टॉल्ड है, राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर में इंस्टॉल्ड है, इसलिए राउटर के पास सबके IP एड्रेसेस या लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं, क्योंकि IP एड्रेसेस लॉजिकल एड्रेसेस किसी पैकेट को नेटवर्क लेयर देता है, ठीक है। और जो गेटवे है वो सारी लेयर्स में इंस्टॉल्ड होता है। सो ये एक डायग्राम आप स्टार्टिंग में बना सकते हो, इस इन दोनों डायग्राम्स के बाद आप कनेक्टिंग डिवाइसेस को एक्सप्लेन करना शुरू करना। सो आई होप दिस इज़ क्लियर बेटा।